हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई दशहरा वाला व्लॉग लेके, दशमी का। सो ये जो आप देख रहे हो, ये है मानस भवन हमारे ग्वालियर में। बहुत ही सबसे बड़ा पूजा होता है इनके यहाँ, तो मानस भवन का टीम है ये। ये भी बंगाली है कम्युनिटी, यहाँ के भी हम बहुतों को जानते हैं। बोनानी बोधी, उनके हस्बैंड सब यहाँ पे फुल फ्लेजडली शामिल रहते हैं। बट इस बार हम मानस भवन जा ही नहीं पाए, बिल्कुल टाइम नहीं हुआ, वरना हर साल विज़िट करते हैं। तो ये मानस भवन का क्लिप्स थोड़ा थोड़ा शेयर कर रही हूँ। और क्या बताओ फ्रेंड्स, बाई मिस्टेक मैंने दशमी का व्लॉग एडिट करके रख दिया था, क्योंकि हम ट्रिप में निकलने वाले हैं। लेकिन जब मैं व्लॉग अपलोड करने जा रही थी, तो मैंने देखा कि मैंने बाई मिस्टेक कब डिलीट कर दिया मेरे फ़ोन से, वो डिलीट हो गया। मुझे कुछ नॉलेज नहीं है कब हुआ। इवन मेरे फ़ोन में दशमी का एक भी क्लिप नहीं बचा कि मैं री एडिट करती या फिर दोबारा से बनाती, वो स्कोप भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने फिर क्या किया, थोड़ा बहुत जो हमारे काली मंदिर ग्रुप में वीडियोज़ आते हैं, या मेरे हस्बैंड के फ़ोन में एक दो थे, या व्हाट्सअप में मिले थे, वही जोड़कर मैंने ये आज का व्लॉग बनाया है। इसमें बहुत सी चीज़ें मिसिंग है। रात को जो हमारा पार्टी था वो भी मिसिंग है, वो भी नहीं डाल पाई। पर क्या कर सकते हैं, जब मैं एडिट करने बैठी बहुत ही मन ख़राब हो रहा था, और मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था बचा कि मैं कुछ करूं। तो आप लोग देख लीजिए मानस भवन में उन लोगों ने कैसे माँ को विदा किया, दुर्गा माँ को। और देखिए यूनिक वे में इस बार सब लेडीज़ ने ठान लिया था कि जीन्स और टी शर्ट पहनेंगे मानस भवन का, ऐसे देखिए वाइट कलर का। और ये उनका थीम था आज, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, नया कुछ देखने को मिला वही है। और इसके बाद आपको हमारे काली मंदिर वाला ग्लिम्स भी मिल जाएगा। और बस लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे एक्सीडेंट हैपन होते हैं। ये मानस भवन का मंच देख लीजिए। सो इस बार ऐसे हो गया मिस्टेक, मतलब मुझे भी कुछ पता नहीं, मैं समझ ही नहीं पाई कैसे हुआ। जो भी है, ये देखिए वो लोग अभी जा रहे हैं माँ को लेके विसर्जन के लिए, मानस भवन वाले। इसके बाद हमारे काली मंदिर वाला भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सुबह सुबह रेडी होके मैं निकल गई काली मंदिर के लिए, और हमारा थीम यही था। हमें बोला ही गया था कैसे आठ पोड़े करके ट्रेडिशनल वे में बंगाली साड़ी पहनने के लिए। सो हम सभी लेडीज़ उसी लुक में थे। और ये देखिए माँ को मैं अलविदा कहूँगी, तो उससे पहले जो जो नियम होता है पूजा में वही करते हैं, माँ को सिंदूर लगाना, मिठाई खिलाना, और फिर एक दूसरे को लेडीज़ सिंदूर लगाते हैं, बूढ़े बच्चे सबको। और ये डांस कर रहे हैं सबसे, में बहुत मज़ा किया हम लोगों ने काली मंदिर में। हर साल हम बहुत मज़ा करते हैं, और हस्बैंड के साथ तो बनता ही है थोड़ा वीडियो लेना। ये देखिए सागरिका मैम के साथ ले रहे हैं। ये वीडियोस उतने क्लियर नहीं है क्योंकि मेरे फ़ोन से नहीं लिया है, किसी और के फ़ोन से लिया है। तो थोड़ा सा काइंडली एडजस्ट कीजिएगा इसके पिक्चर क्वालिटी के साथ। फिर हम बैठ गए लंच करने। यहाँ पे हम धुनुची डांस कर रहे हैं ढाके ताले सॉन्ग में, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे
वो सॉन्ग्स मैं नहीं सुना सकती वरना कॉपीराइट क्लेम आ जाता है हमेशा, सो इसलिए मैंने यहाँ म्यूट कर दिया वो सॉन्ग। और ये क्लिप्स भी मुझे मिल गई थी बाई लक, सो मैं शेयर कर रही हूँ। हम दोनों धुनुची डांस कर रहे हैं, जो बंगालीज है उनको पता है धुनुची डांस क्या है, तो मैं और सागरिका मैम मिलके कर रहे थे धुनुची डांस। इसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे घर ड्रेस चेंज करने, मैं भी चले जाऊँगी क्योंकि सिंदूर वगैरह लगा हुआ था, इचिंग लग रहा हो रहा था फेस में, तो हम इसके बाद निकल जाएंगे क्योंकि 4 बजे बोला था विसर्जन करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसके बीच हम चले जाएंगे घर। मैं ड्रेस चेंज करके आऊँगी, अभी सारे मिलके ग्रुप फोटो ले रहे हैं। सारे लेडीज़ देखिए एक ही थीम में सजे हुए थे हम लोग, गजरा वगैरह भी बहुतों ने लगाया था, मैंने लगाया था, सागरिका ने बहुतों ने लगाया था, बहुतों ने नहीं लगाया था, बट साड़ी हमने वही ट्रेडिशनल बंगाली स्टाइल में ही पहना था सब ने, और वाइट एंड रेड साड़ी जो हमारा है मेन। सो आप लोग बोलिएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा ट्रेडिशनल लुक, एंड सच में हमने बहुत मज़ा किया, बट मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ फुल फ्लेजली सब कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं कैसे सब कुछ डिलीट हो गया, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा, बट क्या बोलूँ, अब जब हो गया तो हो गया। सो जो बचे कुछ क्लिप्स है वही शेयर कर रही हूँ। रात को पार्टी भी हुई थी, वो सब भी सारा चला गया, वरना हमारा नॉनवेज पार्टी होता है दशमी में, वो सब भी नहीं शेयर कर पाई। ये देखिए सेन गुप्ता भैया यहाँ ढोक ढाक बजा रहे हैं, और यहाँ पे और धुनुची डांस हो रहा है, ये दोनों कपल है, सो कपल धुनुची डांस कर रहे हैं। सो ये सब जो जो मिला मुझे मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए सेन गुप्ता भैया ढाक बजा रहे हैं, ये भैया बहुत मजाक मस्ती करते हैं, हम भी बहुत मजाक मस्ती कर रहे थे सब मिलके, यही चल रहा था। सो जो जो क्लिप्स मिला मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, आशा करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा, काइंडली एडजस्ट कीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसे छोड़ने से पहले, और आशा करूँगी इन फ्यूचर ऐसा मिस्टेक ना हो। पता नहीं, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कैसे सारा फ़ोन से डिलीट हो गया, एक्चुअली हड़बड़ी में यही होता है हड़बड़ी का काम। मुझे ट्रिप में निकलना है बोल के मैं जल्दी जल्दी सारा बैक टू बैक एडिट करके डाल रही थी, और उसी की वजह से ये बीच में ये कैसे डिलीट हो गया, कैसे चला गया, मुझे कुछ याद नहीं। बट मुझे ये याद है कि मैंने एडिट करके सेव कर लिया था, बट डिलीट कैसे हुआ मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। चलिए ठीक है, और एक और स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए ये है दास भैया जो डांस कर रहे हैं, दास, इनसे हमारी मुलाकात भी हो गई थी स्टेशन में जब हम निकल रहे थे ट्रिप के लिए, वो आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। उनकी बेटी के साथ मुलाकात हो गई थी, उनकी बेटी जॉब करती है। यहाँ भी यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर कर दूँगी इसके बाद बैक टू बैक अच्छे अच्छे फ़ोटोज़, और एक स्टोरी भी शेयर करना चाहती हूँ। आज हमें अपनी गाड़ी भी मिल गई बाइलक, माँ को मैंने बहुत बोला था, माँ जो भी बाधा विपत्ति है उनको दूर करो, हमारा गाड़ी हमें मिल जाए, गोपू को तो रोज़ बोलती ही हूँ। और बाइलक जब मैं दोपहर को यहाँ से लंच करके निकल रहे थे, हम लोग निकल के घर गए, जब दोबारा आ रहे थे मतलब विसर्जन के लिए 3:30-4 बजे, तब हमें कॉल आया शोरूम से कि हमारी गाड़ी ठीक हो गई है और उसे ले जाइए, और सच में बहुत खुश हूँ, माँ ने हमारी बात सुन ली। विसर्जन का मुझे ये एक ही पिक मिला, अगर वीडियो और मिलता तो मैं शेयर कर देती। और एक और स्टोरी भी है, शाम को पार्टी थी, पार्टी में हम गए, सो पार्टी में एक जेठू है, जेठू मीन्स हम बड़े पापा को ऐसे संबोधन करते हैं, तो वो उम्र में मेरे पापा से बड़े, तो उनको मैं जेठू जेठू बुलाती हूँ, बंगाली जेठू बोलते हैं बड़े पापा बड़ी मम्मी को, ये रहे जेठू एंड जेठी मतलब बड़े पापा और मम्मी। तो ये जेठू भी प्रिंसिपल रह चुके हैं स्कूल में, तो बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है, इन्होंने मुझे मेरे नाम का मीनिंग आज बताया। सच बताओ पूरे लाइफ में अभी पहली बार मुझे अपने नाम का कंप्लीट मीनिंग पता चला, क्योंकि पापा के गुजरने के बाद कोई बता ही नहीं पाया, जिनसे भी मैं पूछी, मम्मी से भी पूछी, तो वो बता नहीं पाई सही मीनिंग मेरे नाम का। मेरे नाम का सही मीनिंग उन्होंने बताया कि शाबुर्णी का मतलब है कम्प्लीटनेस, कम्प्लीट परिपूर्णा, जिसमें कुछ भी खुद ना हो, तो वो बोल रहे थे तुम्हारे पापा ने बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा नाम रखा है, बहुत अनकॉमन नाम है ये, श्रावंती नहीं है, श्रावणी नहीं है, इट इज़ शाबुर्णी, सो बहुत ही अच्छा मीनिंग है तुम्हारे नाम का। उनको पता है मेरे पापा भी नहीं रहे इस दुनिया में, तो उन्होंने कहा उनको प्रणाम, और उन्होंने बहुत सोच समझ के रखा है तुम्हारा नाम, क्योंकि वो भी टीचर है, मेरे पापा भी टीचर थे, उनको पता है। सो ये था स्टोरी।